कैसे हैं सर? ठीक है जी। क्या नाम हो गया? सुभाष। सुभाष जी, क्या लगता है इस बार विधानसभा की सीट किसके खाते में जाएगी, बीजेपी, कांग्रेस या जेजेपी? बीजेपी। बीजेपी, ऐसा क्यों? बीजेपी क्यों? बस सरकार बढ़िया है, बीजेपी की बढ़िया है सरकार। हाँ। ऐसा क्या बढ़िया लगा बीजेपी में आपको? सब कुछ बढ़िया लगा जी। सब कुछ बढ़िया लगा? हाँ। क्या बढ़िया लगा हमें भी बताइए, दर्शक देख रहे हैं उन्हें पता चलेगा। सारी बातें अच्छी लगी मोदी सरकार की, सबसे बढ़िया बात मोदी जी अच्छे लगे। हाँ जी। कांग्रेस अच्छी नहीं लगती? नहीं, कांग्रेस नहीं अच्छी लगती जी। आपके क्या नाम है जी? मेरा नाम जस्सा जी। जस्सा जी, क्या लगता है यहाँ की सीट किसके खाते में जाएगी, बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी? यहाँ ये जाओगी मोदी के खाते में। अच्छा। हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी गरीबों का साथ दे रहा जी। अच्छा। एक बात, गरीबों का बहुत सहारा दे रहा, गरीबों का मकान बढ़ा दिया, गरीबों का बहुत सहायता कर रहा। कोई एक दो है जानकार जिसके घर बने हैं? हाँ, सबके हैं, मेरे बन रहे हैं कुछ। मोदी की सरकार? मोदी की सरकार में बना है। हाँ, 304 मकान बन रहे हैं हमारे मोहल्ले में। अच्छा। मोदी की सरकार में। अच्छा। हाँ जी, पक्की बात है? पक्की बात है जी, मोदी की सरकार में 304 मकान बने हैं मेरे। अच्छा। हाँ, मोदी की सरकार में। तो खुश है बीजेपी से आप? हाँ, बीजेपी से खुश है। तो यहाँ वोट भी दी हमने बीजेपी से, सही बीजेपी को ही दी थी। हाँ जी। तो विधानसभा चुनाव है, कौन सीट निकालेगा यहाँ से? निकालेंगे बीजेपी। बीजेपी निकालेगी। बीजेपी सारा, हम तो मोदी सरकार का जिंदाबाद है। मोदी सरकार जिंदाबाद है? हाँ जी, मोदी सरकार जी। आपके क्या तो, हाँ। मोदी सरकार जैसा हमारा ये है नहीं, मोदी सरकार मोदी आया। हाँ। इस वजह कोई कैंडिडेट कोई है नहीं है यहाँ, है ही नहीं है कोई, है को नहीं है यहाँ, जो ये बनाया। अच्छा, चलिए। गरीबों का सहारा बनाया जी, ये गरीबों का बहुत तगड़ा सहारा बनाया जी, ये बहुत तगड़ा जी जी जी। आपके क्या नाम है भाई साहब? प्रेम सिंह है भाई। आपको क्या लगता है कि कौन विधानसभा की सीट निकालेगा यहाँ पर, बीजेपी, जेजेपी? कांग्रेस आओगी? कांग्रेस आएगी यहाँ जी? अरे बिल्कुल कांग्रेस आओगी, कांग्रेस यहाँ जी, बिल्कुल भी कांग्रेस आ जाएगी। मोदी ने कुछ नहीं कराया मेरे यार, मोदी ने तो 8500 रुपए मिले ना, यही तो मेरा कांग्रेस आओगी अड़े। अच्छा। हाँ, 8500 रुपए मिले, करा क्या था? नहीं, के नहीं करा मोदी ने, जनरेटर नहीं हो रहा, थोड़ा काम करा मोदी ने, जनरेटर ने के नहीं करा मोदी ने, मोबाइल देख कर मोदी ने अच्छा काम किया, करा क्या था? नहीं, बहुत काम करे यार। अच्छा, एक बात बताइए भाई साहब, आप युवा है, उम्र कितनी है आपकी? मेरी? हाँ, 38 साल है। 38 साल है, युवा है। पहले की भी सरकार देखी है और बीजेपी भी देखी है, क्या फर्क नजर आया दोनों में? फर्क विकास का भाई। अच्छा। देश कड़े तकड़े जा रहे, तो देखो अपने बारे में तो दुनिया सोचा, देश के बारे में सोचो ना, कड़े तकड़े जा रहा। अच्छा, तो क्या लगता है यहाँ की सीट बीजेपी पर जाएगी? हम तो चाहूँगा बीजेपी जीते। वो भाई साहब कांग्रेस बता रहे हैं, वो तो यार ईशान न पुआ मारे फिर तड़की बीजेपी कांग्रेस। अच्छा, और ऐसा है माल दौड़ा है यार। तो बीजेपी में कुछ अच्छा लगा आपको कि विकास ये अच्छा हुआ वो हुआ? सब तो बढ़िया, रोड फ्रैक्चर कड़ी चला जाए। आगे आ जाओ भाई साहब, आप भी आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? राजवीर। क्या लगता है किसके खाते में जाएगी सीट विधानसभा की? विधानसभा की? विधानसभा की तो कांग्रेस के जाओगी, कांग्रेस की जाएगी। कांग्रेस के खाते में कैसे जाएगी थोड़ा बता दीजिए हमें। बताए, क्योंकि ये अंधविश्वास में डालते हैं कौन? मोदी सरकार। अच्छा। भक्ति में शक्ति में। हाँ। जो अस्पताल में डॉक्टर नहीं है पूरे। हाँ। टिक्का लगाओ तो मोबाइल के लिए लगाओ, बिजली भाग दे। हाँ। तो परेशान पब्लिक है। कॉलेज बने थे, कॉलेज वहाँ जींद के अंदर क्यों पहुँचा दिया गया? सुविधों के अंदर क्यों नहीं करवा दिया गया? अच्छा, विकास नहीं हुआ आपको लगता? विकास नहीं है। ये भाई साहब बता रहे हैं, सुनिए, ये भाई साहब बता रहे हैं 300 मकान बने इनके मोहल्ले में। 1000 मकान बनो, मकान से क्या बना जी, बना आपका भी रोजगार मिलो? नहीं, सुनिए, बीजेपी की सरकार में मकान बना क्या? क्या बीजेपी की सरकार में बने हैं वो? अपने घर से पूछ रहे हैं, बना है क्या? नहीं दिया था, अपने घर से देते हैं भाई साहब। हम पूछ रहे हैं, बना है क्या मकान? बना इसका भी? बना? हाँ, मकान बना है इसका। बना है? बना है। फिर भी अच्छी नहीं है? नहीं है, क्योंकि हमने अस्पताल में डॉक्टर पूरे चाहिए। मेरा मकान भी कचरा रहा, मेरा मकान भी कचरा रहा, क्यों? मैं गरीब आदमी, जूते काटने वाला आदमी हूँ, चमार हूँ, जूते काटू कोई बात नहीं। हैंडीकैप मेरी रुगाई है, बच्चे मेरे आने आने हैं, मेरा बकारी बिनो संपर्क रहा, पैम पर एक पीछे का सारा नहीं। ये देखिए, इसका मकान बना आप बता रहे हैं, वो भी हाँ भर रहे हैं, और आप फिर भी बीजेपी को बढ़िया बता रहे हैं, वो फिर भी अच्छा नहीं बता रहे हैं। तो बता रहा हूँ बीजेपी को बढ़िया, लेकिन मेरे घर बता रहे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों की कमी है बीजेपी। मेरे घर हैंडीकैप है, मैं जूते काटूँ, मेरा मकान तो मरा रहा,
भाई मैंने सारा चाहिए है भाई, मोदी सरकार मेरे को सारा देवे तो हम तो उसका बहुत धन्यवाद करेंगे जी। चलिए आपका क्या नाम होगा जी? सुरेश कुमार। सुरेश जी आपको क्या लगता है, ये अंकल जी तो बता रहे 300 मकान बने, खुद इनका बना है बीजेपी सरकार में, क्या लगता है इस बार की सीट किसके खाते में जाएगी, क्या फैक्टर रहेगा यहाँ का? फैक्टर तो देखो जी, जो समस्या है हम तो वो बता सकते हैं। हाँ बताइए। ठीक है, हमने 10 साल हो गए जी बीजेपी सरकार को। हाँ। वैसे वोट तो बीजेपी सरकार की है। अच्छा, पहली बात तो नाराजगी भी है। नाराजगी भी है क्यों? सफीदों से पानीपत, सफीदों से जींद, सफीदों से असंध, सफीदों से गुवाणा, चार सड़कें जोड़ती हैं जी। ठीक है, एक भी सड़क साबती नहीं है। सड़क नहीं है, साबती नहीं है, सौतेला व्यवहार है इसी। उससे वो देख लो, हमारे पड़ोस में असंध है, असंध से मार्ग देख लो कैसे बने हुए हैं, आपने भी देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर दो बात, हॉस्पिटल में पूरी सुविधाएं नहीं है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? विधायक कौन आपके यहाँ? हमारे विधायक फिलहाल तो उधर के हैं, कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के हैं हाँ, इसीलिए उनको सुविधा नहीं दे रहे, अब तंग हो रही दुनिया। तो विधायक जी से कुछ चर्चा है कि अपनी समस्याओं को लेकर? विधायक जी के बयान सुनते हैं हम विधानसभा में, चीख चीख के रह जाए, कोई सुनवाई नहीं उनकी। मतलब सरकार कांग्रेस के विधायक करके सौतेला व्यवहार कर रही है सफीदों से। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन फिर भी नहीं, वोट तो बीजेपी की है, फिर भी बीजेपी को बढ़िया, बीजेपी की थी आगे भी बीजेपी की है, लेकिन क्या करें, लेकिन समस्या ही तो है। मोदी को वोट है, मतलब उसको नहीं है। हाँ। मोदी को वोट है जी। आपका क्या नाम है सर? अशोक कुमार। अशोक जी देखिएगा, ये बीजेपी को अच्छी बता रहे हैं, 300 मकान बने हैं, कुछ लोग कांग्रेस को अच्छी बता रहे हैं, ये अपनी समस्याएं बता रहे हैं, तो विधानसभा सीट पर क्या फैक्टर रहेगा चुनाव को लेकर? बीजेपी सरकार सबसे अच्छी है और अच्छा काम कर रही है। अच्छा है? हाँ अच्छा है। लेकिन ये भाई साहब बता रहे हैं खासकर अपने एरिए में सौतेला व्यवहार हो रहा है। व्यवहार तो होते रहते हैं, हर सरकार में होते रहते हैं व्यवहार तो। अब क्या करें, अब लोग तो प्याऊ लगाते हैं, अब ये सरकार कनेक्शन कटवा रही है टूटियों के, तो ये अच्छा काम कर रही है, ये गलत है, ये ऊपर जाना चाहिए। मतलब लोग तो प्याऊ लगाते हैं, ये कनेक्शन काट रहे हैं, लगाए हुए सरकारी टूटियाँ लग रही थी, उसके बाद सर्वे आ गए हैं जी, ये जो सरकारी टूटियाँ लग रही हैं बंद, कोई अपने पर्सनल पैसे से लगवाए लगवाए ना लगवाए ना। ये ऐसे कर रहे हैं, पानी क्यों कटवा रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है, पानी मिल नहीं रहा, दिल्ली में देखियो कहाँ पानी नहीं मिल रहा, केजरीवाल के राज में पानी नहीं मिल रहा। तो सरकार तो मोदी सरकार बढ़िया कैसे हुई फिर? सरकार अच्छी है, ऊपर की तो अच्छी है, नीचे की बेकार है। सेंटर में अच्छी है, मोदी जी अच्छे हैं। हाँ मोदी जी अच्छे हैं, नीचे ये गड़बड़ी कर जाते हैं ना दूसरे, ये गड़बड़ी करते हैं, मामला यहाँ खराब है, जो नीचे वाले गड़बड़ कर, ये गड़बड़ी कर देते हैं नीचे वाले, गड़बड़ी अपने बनाने के लिए गड़बड़ी कर देते हैं। लेकिन ऊपर से मोदी जी अच्छे हैं, ऊपर से मोदी अच्छे हैं। तो विधानसभा की सीट अब की बार MCA ने भी पैसे ले लिए कांग्रेस से, सुभाष गंगोली से जा रहा है, गया चुप करके, 8-8 लाख रुपए ले गए, अब खा रहे हैं, अब ये पी रहे हैं वहाँ बैठे हुए। अच्छा एक बात बताइए, विधानसभा सीट कहाँ सरकती हुई दिखाई दे रही है? विधानसभा की सीट मोदी की सरकार सबसे अच्छी सरकार है, मोदी जी अच्छे हैं। मैं बताऊँगा, मेरे घर हैंडीकैप है, आप मोदी से हाथ जोड़ कर चाहिए रहे भाई, 12 सहायता करो भाई, कुछ भी हो सहायता की, जो टी कार्ड है जी जी भाई, कुछ करे जी, कोई मारा सहारा दे देगा जी, ला देगा जी 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 जी। आप क्या क्या नाम है भाई साहब? है क्या नाम? क्या बात हुई, यही पूछ रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर अब की बार वोटर्स आएगी, कांग्रेस कांग्रेस आएगी, जो अच्छे काम करेगी वही सरकार आएगी। इस सरकार में गरीबों के लिए पानी नहीं है, वो नहीं है, कैसे है, ये तो धक्का पेली हो रही है, पानी देखिए, पानी कहाँ है सफीदों में, है समस्याएं हैं। हाँ समस्या, इतनी समस्या इतनी तो समस्या थी नहीं, तो इस वजह से लगता है कि मेरा मकान नहीं बना था, मैंने तो कमेटी में दरखास्त दी थी। क्या सरकार है, जिनके सरकार अच्छी लगती है ना, मोटे बंदों की सरकार है ये। अच्छा हाँ, ये अच्छे गरीब लोगों की सरकार नहीं है, तो लगता है कांग्रेस गरीब लोगों की या फिर गरीब लोगों की है। रिक्शा वाले ना, अरे गरीब की पहले रोटी बना के ना अच्छी 5,000 दिहाड़ी बना के जाया करता, इससे पूछिए कितने की दिहाड़ी बनी है, पूछ क्या क्या दिहाड़ी बनी है, पहले जैसा मामला नहीं है, नहीं है, खत्म हो चुका। तो बदलाव चाहते हैं हरियाणा में, हर सरकार में बदलाव चाहिए। अच्छा हाँ बिल्कुल, जब ही सरकार ऐसी होगी जी, भाई साहब चाहते हैं कि बदलाव हो जाए। आपका क्या नाम होगा भाई साहब? नरेंद्र सिंह भाई साहब, यहीं के रहने वाले हैं। हाँ। क्या लगता है विधानसभा की सीट किसके खाते में जा सकती है?
भाई यारा तो निस्पिदों के भाग मारे हैं। जो आगे सरकार होगी उसके विपरीत आओगी यहाँ पर। अगर कांग्रेस आएगी तो बीजेपी की सीट है पक्की, अगर बीजेपी की है तो कांग्रेस की है। स्पिदों में आज कभी सहमति तो कुछ बनाया को नहीं है, मामला खराब हो जाता है। सरकार किसी की है, यहाँ पर विधायक किसी और पार्टी, विधायक किसी का। तो इसलिए ये भी कारण मानते हैं कि जो विकास रुक रहा है सफेदों का, तो ये भी कारण हो सकता है। विकास तो कुछ नहीं रुक रहा, जान कर कह रहे हैं जो चौधरी हैं उनने किसी ने कोई मतलब नहीं, उन्हें अपना पेट भरने का मतलब है और कुछ नहीं है। अपना पेट भरा रहे का नहीं, जनता का कोई लेना देना नहीं है। खानसर चौक था संत रोड पे खेड़ा खेमोती गाँव है, 10 के 15 साल लियाद लग सड़क नहीं बनी है, सड़क नहीं बनी है। और उस पर कम से कम भी 25-30 एक्सीडेंट हो गए जिनकी मौत हो चुकी है। चोट लगने वाले तो अनेक हैं, मौत वाले 25-30 हैं व्यक्ति। तो फिर अब क्या सोच रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे अब की बार? कुछ मुद्दा नहीं, तो मुद्दा के है, मुद्दा था जो सौ बीजेपी बने गई है। यहाँ तो कहना अगर विपरीत बननी है कोई मुद्दा ले लो, यहाँ तो विपरीत बनेगी, यहाँ तो विपरीत रहेगा पक्का। चाहे वो कितना गला लो, अगर कांग्रेस आएगी तो बीजेपी का विधायक पक्का है, तो बीजेपी आई तो कांग्रेस का। हाँ, आई प्लान कई साल हो लिए, बस एक बार इन्हें लोग राज में बने हैं रामफड़ कुंडू ऊपर चोटाला, यानी कदी नहीं, कदी उस निर्दलीय बन जाए हैं, कदी विपरीत बना है, पार्टी का कोई बंदा नहीं बनता। जी जी जी। अरे स्पिदों का विकास नहीं हो रहा, ये कारण। हाँ, क्या नाम हो गया? मेरा नाम है रोशन लाल। क्या लगता है इस बार विधानसभा के चुनाव में किसके खाते में सीट जा सकती है? बीजेपी के खाते में जाओगी। बीजेपी के खाते में क्यों जाएगी, क्या कारण है? क्योंकि काम कर रखे हैं, लोग बोलते हैं समस्याएं काफ़ी हैं स्पिदम के अंदर, सड़कें नहीं बन रही हैं। कोई बात नहीं, सड़कें सारी बन जाएंगी। बन जाएगी बनने के बाद? बनी हुई है सड़कें। अच्छा, जो कमी है सारी पूरी करेंगे। खुश हैं बीजेपी से? हाँ, बीजेपी के आदमी हैं। बीजेपी के आदमी हैं 40 साल से बीजेपी के। 40 साल से? हाँ। ऐसा क्या लगाव है बीजेपी से, इतने साल से आप जुड़े हुए हैं बीजेपी के साथ? पहले इनकी ना, इनका कुछ नहीं था पहले, ये भी इनका बहुत बढ़िया काम कर रखे ना, सारी बातें मौज कर रखी हमारी। मौज हो रही है। 2.5 लाख रुपए मारते दे रखे हैं। मिले हैं मकान ना के? मिले हैं मकानों के? मिले हमने। मिले हैं। अच्छा, तो मैं हम किसका वोट देंगे बताओ? किसका इन्हें हमारा भला करा, वोट कितने देंगे हम? राशन भी मिल रहा है? राशन तो हमारा राशन कट रहा है कोई। अच्छा, राशन कार्ड कटा हुआ और भी बन जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन खुश है कुल मिला के बीजेपी से? खुश है। तो यहाँ की जो सीट है बीजेपी के खाते में जा सकती है? हमारी तरफ तो जाओगी देखो। अच्छा, शहर में तो जीत है बीजेपी की। हाँ, गामों का हमने फिर गामों का पता नहीं है जी। आपके क्या नाम है जी? हमारा नाम तो राजपाल है भाई। राजपाल जी, आपको क्या लगता है? अंकल जी तो अच्छा बता रहे हैं बीजेपी को कि बीजेपी अच्छी है। बीजेपी अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, हर गरीब का साथ देती है। अच्छा, बिल्कुल। क्या अच्छा लगा बीजेपी के अंदर आप? बीजेपी का तो बहुत अच्छा लगा। आप रात को 10 बजे कोई लेडीज लड़की कहीं भी घूम सकती है, आ जा सकती है। वो जो पहले शोर शराबे होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, वो सब बंद हो चुकी हैं। पहले की जैसे पहले झगड़ा वगैरह कुछ होता तो अब नहीं होता, चुराहों में कहीं भी कुछ नहीं होता, बिल्कुल शांत है, सब शांत है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम कर रखे हैं बीजेपी ने। और किसी गरीब का साथ भी देते हैं, मकान बनाया है। और ये बिजनेस करने के लिए कोई रेडी वालों को 10,000 रुपये की स्कीम है, या जो भी है, सब अच्छी अच्छी स्कीम निकाल रखी है। तो विधानसभा की सीट है बीजेपी के खाते में जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, हमने तो जिसने वोट देनी है सबने बीजेपी की देनी है। अच्छा, तो बीजेपी से बड़ा प्यार है, लगाव है? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी जी। ये देखिएगा, हाँ, आपका क्या नाम हो गया भाई साहब? अरे शर्मा रहे हैं, चेहरा ही चुप हो रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। हाँ भाई। अच्छा, 3 लाख से 2 रुपये। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सोमपाल है भाई। सोमपाल जी, आपको क्या लगता है किसके खाते में जाएगी यहाँ की विधानसभा की सीट? तो भाई मैंने तो पता नहीं, मैं तो यार अंदाजा लगा पाए हैं अभी तक, लोगों की चर्चाएं सुनी पूरा तो यार तड़े उसमें वोट तो उसमें आठ आड़े भी दे दूर तो ठीक है, बाकी भी देखे हैं किसके कह रहे। कुल मिला के क्या लगता है, बीजेपी सही नज़र आती है, कांग्रेस सही नज़र आती है? कुल मिला के तो आवे तो नू लाले बीजेपी आवेगी। आएगी बीजेपी? कैसे आएगी? जो मतलब 30% एक का नहीं, 70% एक का नहीं, उन्होंने सारे ने बीजेपी वोट दे रखी है। तो हरियाणा में सरकार बीजेपी की लगता बनेगी? हाँ, लेकिन पहले उतनी 70-75 पार का जो नारा था वो नहीं हो पाया था हरियाणा में? वो तो को नहीं पाया था, ये जो माहौल है ना जिसमें कई बार क्या हो, जिस तरह
रोले रबदे हुए आरक्षण होया हूँ तद दे आदमी गणे कट के अच्छा इवनू है वहाँ के ते बीजेपी सरकार बढ़िया और उनके लिए गलत है जिनके लिए काम मतलब मंदे हो रहे हैं जिन्हें काम करना पड़ रहा है ये है मामला ये मामला है जिसने काम नहीं करना उसके लिए तो फिर मामला खराब ही है। चलिए ये देखिएगा हमारे भी खरबूजे खराब हो गए इसके और दिखा दो दिखा दीजिए भाई साहब। भाई साहब बता रहे हैं काम बहुत मंदा है काम काम मंदा है जो भी आवे उधर कोई दो चार फैक्ट्री लगवाओ रोजगार चले नशे पत्ते में ज़्यादा बढ़ रहे हैं बच्चे क्योंकि बेरोजगारी है चोरी है ठगी कर रही है गोली चल रही है बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है बेरोजगारी तो ग्राहक कम है नहीं ग्राहक तो फिलहाल देखिए अपनी रेडी की दुकान की भी समस्याएं बता रहे हैं कि फिलहाल ग्राहक इतने नहीं हैं और जो फल वगैरह है वो भी ख़राब हो रहा है तो बातचीत कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पर लोगों से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चुनाव को लेकर के यहाँ का जो वोटर्स है वो सोच रहा है। आ जाओ इस साइड में आ जाओ तो भाई साहब यहीं के हैं आप भी यहीं के हैं जी हाँ यहीं के हैं एक क्या? मिनट भाई एक नहीं नहीं एक मिनट रुके हुए हैं भाई साहब क्या नाम होगा भाई साहब देसो भाई क्या लगता है इस बार विधानसभा की सीट किसके खाते में जा सकती है इस बारे में नॉलेज नहीं है सरकार कौन सी सही नजर आई बीजेपी या कांग्रेस बीजेपी पीछे बीजेपी बता रहे हैं बीजेपी क्यों ऐसा क्यों बढ़िया बढ़िया काम कर ला रहे बीजेपी अच्छा काम किया है हाँ क्या अच्छा काम किया बीजेपी ने करेगा तो नहीं बढ़िया फैसिलिटी हो रही है बढ़िया सही हो रहा है सारा बढ़िया हाँ बढ़िया बीजेपी बता रहे हैं भाई साहब। चलो फिलहाल देखिएगा यहाँ पर लोगों से चर्चाएं कर रहे थे और जानने की कोशिश की कि कैसे विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ का जो वोटर्स है वो सोच रहा है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में अश्विनी कुमार जय हिंद।